So, एकदम क्लियर थे सबको रेवेन्यू अच्छी तरीके से yes, तो रेवेन्यू और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और तब जाके आप पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड आउटपुट सो पुट दाइटल्ड एस चिल्ड्रन वोट फॉर्म ऑफ मार्केट तो भाई बाजार कितने प्रकार का होता है ये इलेवेंथ क्लास में आपको मैंने बताया था दो तरह के मेन मार्केट फॉर्म्स होते हैं चिल्ड्रन वन इज कॉल्ड एज परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट अदर इज कॉल्ड एज इम लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज अ मार्केट सो मार्केट इज एक्चुअली एन अरेजमेंट अ रिलेशनशिप एंड इंटरक्शन बिटवीन द बायर्स हु कम टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट बाय मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी एंड सेलर फ देअर वॉन्ट बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट तो जितने भी बाजार में आपको बायर्स नजर आएंगे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा चाहेंगे कि उनका सैटिस्फेक्शन लेवल प्राइस पेड से अनगिनत गुना ज्यादा हो जाए और सेलर हमेशा यही चाहेगा कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो तो फॉर बायर्स इन द मार्केट यू कैन है कॉन्टेंट विच इज स्पेल्ड एज एम यूएक्स मोर देन पी एक्स कहने का मतलब सैटिस्फैक्शन डिराइव इज मोर देन प्राइस पेट खोपड़े में बात गई चलो खोपड़े में बात गई एंड फॉर फुलर सैटिस्फैक्शन और यू कैन राइट अ बेटर वर्ड टाइटल डैज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन तो सेलर्स आर देर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड बायर्स आर देर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट वॉटन नो आंसर्स आंसरफैक्शन यूटिलिटी यूटिलिटी और सेलर्स किस लिए हैं बाजार में प्रॉफिट सिंपल एज दैट चलिए सो so, दोनों लोगों का इंटरेक्शन क्यों हो रहा है दिस इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन तो बायर्स आर देयर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज सिंपल भाषा में बोले एम मोर देन पीएक्स. एक्स का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए सेलर्स आर देयर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट इसी अरेंजमेंट को इसी सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं बच्चों मार्केट लेट्स मूव अहेड सो so, मार्केट के जो पर्टिकुलर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों दे आर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बायर्स एंड सेलर्स इट कुड बी मेनी बायर्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता है इम हो सकता है बेसिक्स आपको पता है इट कुड बी वन बायर तो लोग बता सकते हैं वन बायर वाला मार्केट कौन सा होता था मोनोपनी बोलते थे और वन सेलर वाला मार्केट कौन सा होता था मोनोपोली ओके okay, तो मोनो याद रखिएगा सनी है तो बायर पोली है तो सेलर कमोडिटी कुड बी होमोजीनियस

हाँ, क्या कहने कृषि जीटिनेट तो वो सिर्फ मोनोपोली के केस में करेगा ना, ना। में सेलर्स तो डोमेट डोमिनेट करेगा बाय डोमिनेट करेगा हाँ बाय डोमिनेट करेगा सो हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर चिल्ड्रन आप इस तरह से कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे एक है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट चिल्ड्रन एंड दीज थ्री विद वन मोर एज मोनाप्सनी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं आर कंसर्न एज एम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट खोपड़े में बात गई खोपड़े में बात गई बच्चों सो yeah. so, ये दो मार्केट हैं पहले बुक्स में क्लासिफिकेशन होता था बट पता नहीं बॉथर्स क्यों लिखते आई कॉन्ट अंडरस्टैंड तो टू क्लासेस आर देयर ऑलवेज चिल्ड्रेन परफेक्ट कॉम्पिटेशन एंड इम परफेक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में या परफेक्टली कॉम्पिटेटिव में दो होते हैं एक परफेक्ट होता है एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्योर कॉम्पिटिशन तो आप यहां पे इसको भी लिख लीजिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट शैल बी नॉट डिवाइडेड एज इट इज हर्ड एज आपको उसको इस तरह से डिवाइड करना है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड इम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट तो इसके दो विंग्स कर देते हैं हम यहां पर एक ही हो गया एक ही हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज फर्दर डिविजन ऑफ प्योर एंड परफेक्ट एंड इम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज डिवाइडेड एज मोनोपोली ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एक इसमें हम और एड ऑन करेंगे ओलिगोपोली की जात डुओपोली डुओपोली एक टाइप ऑफ ओलेगोपोली ही मानी जाती है तोटेगरी so में, so, में भी आएंगे तो डुओपोली टाइप ऑफ ओलेगोपोली ओके झटपट अपडेट करें डाइग्राम चलिए सो लेटस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देते हैं मोनोपोली से

तो जो लोग रिच हैं टैक्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट उन्हीं से टैक्स ले रही है जनरल बोगी में भरे रहिए एकदम जानवर की तरह टीटी टिकट पूछे भी नहीं आएगा क्यों अगर टीटी -टी उसके अंदर घुस गया तो बेहोश हो जाएगा उसे सुहाई देंगी इज दैट अंडरस्टुड पोस्टेज एंड टेलीग्राम की बात करें एकदम सस्ती सर्विस आपको अगर कोरियर कराना हो प्राइवेट कोरियर लेटेस्ट से फ्रॉम न्यू डेली टू लखनऊ तो आपको प्राइवेट कोरियर वाला लगभग वन केजी का एट अमम एक सौ बीस रुपए तो चार्ज कर ही लेगा आपसे बट अगर आप गवर्नमेंट की स्पीड पोस्ट सर्विस पे चले जाए तो मैक्सिमम वॉट यू विल पे फॉर अ के जी विल नॉट बी मोर देन फोर्टी फाइव रुपीज तो प्राइवेट सर्विस तीन गुना पैसा आपसे चार्ज करती है और ये वन थर्ड में आपका काम कर देते हैं तो दिस इज मोनोपोली बट मोनोपोली ऑलवेज डीन एक्सप्लॉयटेटिव चिल्ड्रन खोपड़े में बात गई कि नहीं गई खोपड़े में बात गई एक रियल केस स्टडी बता रहा हूं एक बार मेरे को किसी बच्चे को डिस्पैच करने थे एंड द पैकेज ऑफ हाउ मच तो मैंने पूछा बेंगलुरु जाना तो प्राइवेट कह सर रुपए किलो है आपको डिस्काउंट कर देंगे दो सौ बीस में लेंगे और दो के जी का चार सौ चालीस रुपये लगेगा मैंने कहा अच्छा मैंने भेज दिया नेक्स्ट टाइम फिर पार्सल भेजना था तो सम्बडी टोल्ड मी कि आप इसको जो वो रेलवे का पार्सल होता है स्पीड पोस्ट जहां से होता है रेलवे स्टेशन पे आप वहां से भेजिए तो मैं वहां चला गया फिर वहां पे बच्चों पर्सन टोल्ड मी सर फोर्टी फाइव रुपीज पर के जी चार्ज होगा आपका टू के जी का है तो इसमें नाइनटी रुपीज लगेगा बट आप स्पीड पोस्ट से इसको भेजी क्यों रहे हैं मैंने कहा अरे स्पीड पोस्ट से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा कह रहा सर बेंगलुरु भेजना है आपको हमारी जो ट्रेन है वो छत्तीस चालीस घंटे लेती है तो मिनिमम थ्री डेज तो लगेंगे ही लगेंगे मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें कह रहे जितने भी पार्सल एक पर्टिकुलर एक किलो के उससे थोड़े ऊपर होते हैं वो सारे के सारे पार्सल कैटेगरी में जाते हैं किसमें पार्सल मैंने कहा फर्क क्या है कह रहा है फर्क सिर्फ इंसान की सोच का है अगर आप स्पीड पोस्ट के नाम पे कराएंगे इज दैट क्लियर तो हम आपसे पैसा कितना लेंगे 90. जाएगा वो पार्सल की ही कैटेगरी में वो स्पीड पोस्ट की कैटेगरी में जाएगा ही नहीं बिकॉज इट्स अ बिगर आइटम तो अगर आप पार्सल की कैटेगरी में रजिस्टर करा के इसको बुक करिए तो प्राइस इज ओनली थर्टी रुपी के जी और टू के जी का आपको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस फिफ्टी फाइव देना पड़ेगा तो डज और कोई भरोसा नहीं पांच दिन में, में, में तो कहा प्राइवेट कोरियर चार्ज कर रहा है फोर हंड्रेड 40 फोर्टी रुपीज सात आठ गुना पैसा लेते हैं तो सर इतना सस्ता कैसे होता है सरकारी में

पहुंचेगा उसी टाइम पे कोई टेंशन की बात नहीं है बिहेवियर ऑफ मोनोपोली लोग चुप हो गए क्या जिस चीज के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज डिमांड और ये चीज आपने रेवेन्यू चैप्टर में शायद पढ़ी थी जहां पे हम पढ़ते थे टीआर एआर एमआर अंडर मोनोपोली मार्केट तो वहां पे रेवेन्यू अंडर मोनोपोली था कैसे इसको correlate करेंगे आप इसके करिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं ग्राफ याद है बच्चों हमने परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में बनाया था और मल्टीपल इंटरसेक्शन की वजह से हमारा जो ए आर एम आर बना था वो कैसा बना था सबको याद आया बच्चों याद आया

तो ये इलास्टिसिटी बोलिए या ए आर एम आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलिए तो बात एक ही है तो वैसे ही आपने जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट मोनोपोली में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हम जब इस ग्राफ को बनाएंगे बच्चों तो हम इसको कैसे बनाएंगे एवरीबडी नोज द शेप ये ए आर की शेप होती है और ये एम आर की वो तो याद आ रहा है सबको कि सब भूल गए याद है भाई सूर्य जी याद है नमन जी पक्की जी गीतिका जी याद है

सबसे पहला कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसका क्या मतलब होता है कभी कभी अगर आप हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लें तो हॉस्पिटल के केस में वॉट अ जनरल वार्ड दोज हु आर एडमिटेड प्राइवेट वार्ड दोज आर एडमिटेड इन आई सी सी यू डू द हॉस्पिटल चार्ज सेम वैल्यू ऑफ सर्विस फ्रॉम ऑल ऑफ दम नो अगर कोई जनरल वार्ड में पेशेंट एडमिट है तो हो सकता है वहां पे डॉक्टर की एक विजिट का डॉक्टर साहब अब थोड़े महंगे हो गए इंफ्लेशन आ गया भाई फोर हंड्रेड रुपीज चार्ज कर लें प्राइवेट वार्ड में तो हो सकता है सिक्स हंड्रेड रुपीज चार्ज कर लें और अगर आईसीसीयू में है इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट तो कितना चार्ज करेंगे एक विजिट का वन थाउजेंड तो सेम पेशेंट सबकी हार्ट सर्जरी हुई है इनको जनरल वार्ड में रखा गया है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है सर इन्फेक्शन हॉस्पिटल कह हमसे क्या मतलब पैसा नहीं तो हम इसको आईसीयू में थोड़ा शिफ्ट कर देंगे या मान लीजिए कि आईसीयू में इसलिए शिफ्ट किया किसी को हड्डी का ऑपरेशन हुआ था फ्रैक्चर हो गया था तीनों लोग का ये थोड़ा ज्यादा एफोर्ड कर सकते हैं इनको थोड़ा ज्यादा बढ़िया केयर चाहिए इनका थोड़ा हार्ट का भी इश्यू है बट अभी हार्ट की सर्जरी नहीं हुई है हड्डी का ऑपरेशन हुआ था तो पैर टूट गया था तीनों लोग का

फिर वो चला गया प्राइवेट वार्ड में यहाँ पे तो एक रूम में एक ही पेशेंट है अब दस रूम यहाँ विजिट करेगा कम से कम इसका एक डेढ़ घंटा दो घंटा यहाँ पे लगेगा तो ये दस रूम में छह हजार यहाँ पे कमा लिया आईसीयू में क्योंकि रही लोग एडमिट होते हैं और पेशेंट को ठीक से मॉनिटर भी करना है एंड अब ऑल पता है लोगों के पास पैसे हैं तो यहाँ पे भी एक दो घंटे की विजिट का एक एक हजार के हिसाब से तो डॉक्टर साहब घंटा विजिट किया हॉस्पिटल टू आवर्स फोर थाउजेंड टू आवर्स सिक्स थाउजेंड टू आवर्स टेन थाउजेंड बीस हजार रुपए दिन भर का कमा के चल दिया पच्चीस दिन विजिट करते हैं महीने का पांच लाख ऑपरेशन वगैरह जो किए किया लाख रुपए उसकी है लाख लाख उसका सेट हो गया विजिट का कितना हो गया लाख इज क्लियर तो घंटे की विजिट ये मान ली डेली का दो घंटे का ऑपरेशन आठ घंटा एक दो घंटा घर में भी थोड़ा बैठ लेते हैं वहां पे भी ले, ले लेते हैं पांच सौ रुपए एक पेशेंट से और लगभग दस बीस पेशेंट घर में भी देख लेते हैं तो पांच सौ रुपए एक से तो बीस पेशेंट का दस हजार वहां पे भी इकट्ठा हो गया तीन लाख यहाँ पे हो गए तो तीन लाख ये और पांच लाख वो था टोटल मिला के दस बारह लाख के डॉक्टर साहब आदमी एक महीने के बन गए हैं साल का एक डेढ़ करोड़ कमा लिया जितना एमबीबीएस बी बी में खर्च किया था वो तो तीन साल में कवर कर देंगे समझ में आ गई बात तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सवेरे सो के उठेंगे दस बजे और अगले दिन सवेरे दो बजे सोएंगे क्यों रात में पेशेंट्स आते रहते हैं फिर ऑपरेशन है एंड ऑल दैट समझ में आ गई बात तो ये क्यों अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं क्योंकि भाई ये मोनोपोलिस्ट हैं इनको पता है कि इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है सेम इज द केस विद इंडियन रेलवेज आल्सो आप अगर जनरल बोगी में ट्रैवल कर रहे हैं अलाहाबाद टू न्यू डेली तीन सौ का टिकट है एसी थ्री टीयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई टिकट लगभग साढ़े नौ सौ एक हजार बारह सौ रुपए का होगा ए सी टू टीयर में ट्रैवल कर रहे हैं सोलह सत्रह अठारह सौ का टिकट होगा ए सी फर्स्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तीन हजार रुपए का टिकट होगा क्या ए सी फर्स्ट वाला पहले पहुंच जाएगा नो सबसे पहले पहुंचेगा तो जनरल बोगी वाला क्योंकि जनरल डिब्बा सबसे आगे लगा होता है प्राइस सबसे अलग अलग क्यों लिए जा रहे हैं बिकॉज सर्विसेस सबको अलग अलग टाइप की दी जा रही है समझे इस बात को चलो अंडरस्टूड वेल कॉपी बडी चलो कॉपी कर लीजिए फास्ट इलास्टिसिटी एंड शेप ऑफ डिमांड कर्व देखिए सेम वही चीज आगे जो बोल रहा था बच्चों एआरएमआर नीचे की तरफ जा रहा है क्यों जा रहा है इसीलिए रेवेन्यू चैप्टर आपको मैंने पहले पढ़ा दिया था नहीं तो अगर हम ये चैप्टर पहले पढ़ते तो फिर मैं इसको बोलता कि यहां से छोड़ दो जब रेवेन्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां कवर अप हो जाएगा तो अब आप रेवेन्यू में इस चीज को जान चुके हैं कि ये कैसे बनेगा तो अगर एग्जाम में बच्चों नंबर नंबर का क्वेश्चन रेवेन्यू का आए तो आपको शेड्यूल बनाना है बट अगर मार्केट फॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स फोर मार्क्स में मोर देन सफिशियंट सिर्फ ग्राफ की शेप ड्रॉ करिएगा बस तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है क्योंकि ज्यादा बेचने के लिए याद करिए प्राइस क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा तो पहली यूनिट दस रुपए में बिकी अगली वाली साढ़े नौ में तीसरी वाली नौ रुपए में याद आ रहे और इसलिए हम प्राइस कम करते हैं ताकि हमारा मार्केट में कोई नया कॉम्पिटेटर डेवलप ना हो जाए सो डिमांड इज लेस इलास्टिक ड्यू टू द दबसेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट मोनोपोलिस्टिक भी होगा तो रहेगा तो ऐसे ही ये थोड़ा ऐसे से थोड़ा ऐसे बल्ज हो जाएगा मतलब आपका ए ऐसे चला जाएगा ओके okay, और एम आर ऐसे हो जाएगा शेप विल बी सेम डाउनवर्ड फॉलो ही रहेगा बट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा एक्चुअली में. में तो बेसिकली कोई सब्सटीट्यूट होता ही नहीं है मोनोपोलिस्टिक में डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट आपका क्लोज सब्सटीट्यूट बनते हैं तो आप जिस प्राइस पे चाहेंगे उस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचेंगे ये थ्योरी में बोला जाता है प्रैक्टिकली नो सेलर उट टू बी एन आइटम ऑफिस इंडिया जैसी डेमोक्रेटिकोनोपोलिज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट अब ये कानून खत्म हो गया इंडिया में अब इसकी जगह आ गया कॉम्पिटिशन एक्ट दो हजार दो लोग कोर्ट में स्यू कर देंगे और जज साहब बोलेंगे कि भाई सोल्ट इज एन आइटम ऑफ नेसेसिटी तो टाटा इसके ऊपर सुपर स्पेशलाइज करता है मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन का पूरे कंट्री में टाटा वाले ही करते हैं बाकी वो दूसरी कंपनी को अपना बेचते बाजते रहते हैं तो अगर आप इसका प्राइस बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर कोर्ट कचहरी हो जाएगी तो थियोरिटिकली हम बोलते हैं जरूर है फर्म इज प्राइस मेकर चिल्ड्रेन बट प्रैक्टिकली ऐसी फीलिंग आती नहीं है समझ में आ गया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अब सर ये कैसे हो सकता है क्या हम बाजार के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा देंगे और उसको लॉक कर देंगे और सेलर कहेगा हम ही हमें बाकी सब चीनी कम है हम किसी को आने नहीं देंगे ऐसा नहीं होता है यू कैन गेट अ पेटेंट पता है पेटेंट क्या होता है बच्चों साइंटिफिक डिस्कवरीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट्स या कोई भी आपने फॉर्मूला डिस्कवर किया मेडिसिन का भी और सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल डिस्कवरी है इसको भी आप अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं कि बिना आपकी परमिशन के कोई इसको इस्तेमाल नहीं करेगा आपने बुक लिखी आप जिस प्राइस पे चाहे उसको बेचिए नो प्रॉब्लम अ कॉपीराइट। आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया आपने ब्रांड नेम रजिस्टर करा लिया आपने लेटर्स से कोई मास्ट हेड रजिस्टर करा लिया वो जो न्यूज की हेडिंग होती है ना उसको मास्ट हेड बोलते हैं सो ऑल दीज योर पी आईपीआर बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये आपके हैं और आप इन्हें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करिए जिस प्राइस पे चाहे सर्विस लोगों को दीजिए सो इफ सैमसंग हैज अ कॉपीराइट और अ पेटेंट ऑफ दैट एमोलेट स्क्रीन चिल्ड्रन और ये एमोलेट स्क्रीन जिसको भी कंट्री में क्या वर्ल्ड वाइड चाहिए सैमसंग से ही लेनी पड़ेगी Samsung ने अगर इसका पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया है तो कोई दूसरा इसको बेच नहीं सकता हल्दी जानते हैं बच्चों क्या होता है हल्दी टर्मरिक बोलते हैं यूएस की एक कंपनी थी जिसको पता लगा हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या हुआ मिस्टर हार्दिक जी एंड जी, कुंडली मिला रहे शादी के रिश्ते की बड़ा ध्यान से मोबाइल में देख रहे हैं स्क्रीन पे देखिए ज्यादा फायदा होगा तो घर में मार पड़ेगी और टर्मरिक लगानी पड़ेगी फिर तो वो अमेरिकन कंपनी को पता लगा कि भाई टर्मरिक की मेडिसिनल क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं तो उन्होंने अपने देश में कॉपीराइट कराने के लिए कि हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे दवाइयों में और सिर्फ हमें परमिशन दे दी जाए एक बार अमेरिका में रजिस्टर हो जाता तो दूसरे देशों में रजिस्टर कराना लेकिन आसान हो जाता इंडियंस को ये बात पता लग गई दे वेंट टू आई सी जे सॉर्ट ऑफ थिंग अब ये क्या था एग्जैक्टली आई डोंट नो मैंने पढ़ा था इसको कहीं पर तो तो आई एम शेयरिंग इट विद यू उन्होंने इस पर पंगा खड़ा कर दिया कि भाई ये तो इंडियन हर्ब है इसको कैसे कोई विदेशी कंपनी या कोई भी कंपनी पेटेंट करा सकती है ये तो लोगों के जनरल यूसेज के लिए है तो अगर ऐसा हो जाता बच्चों तो शायद आपके घर में टर्मरिक तभी आती जब आप इस अमेरिकन कंपनी को कॉपीराइट का या पेटेंट का या ट्रेडमार्क का पैसा देते हैं सुनाई पड़ गई बात तो मैं कालू टिक्की बर्गर कोई भी बेच सकता है क्या बच्चों नो no, कोई भी नहीं बेच सकता इट कैन ओनली बी सोल्ड बाय बिकॉज दे बाई ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम नेम रजिस्टर्ड इन देयर तो इसी तरह से आप एंट्री क्रिएट करते हैं तो हाउ रेस्ट्रिक्टेड क्रिएटेड बाय रजिस्टरिंग पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ब्रांड नेम मास्टर्ड एंड मेनी अदर थिंग्स थिंग और एक बार आपके नाम पे रजिस्टर हो गया तो जिस प्राइस पे चाहे उस प्राइस पे बेचिए आपको कोई लॉस होगा ही नहीं समझे बात को चलिए झटपट लिख लें इसको Yes, Let's continue next. Single seller, ये तो बड़ा आसान है सब है। सबको पता बट इसका एप्लीकेशन क्या है दो वर्ड्स आपने बचपन में कॉमर्स में ही पढ़ लिए होंगे समथिंग समथिंग कॉल्ड एज इंडस्ट्री फिर इकोनॉमिक्स में भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो फर्म का मतलब क्या होता है बच्चों फर्म का मतलब होता है बच्चों इट इज सिंगल

मोनोपोली मार्केट में वी हैव हाउ मेनी सेलर्स चिल्ड्रन ओनली वन तो चाहे फर्म बोले या इंडस्ट्री बोले इट बी वन एंड द सेम थिंग सुनाई पड़ी बात व्हाट आई मीन टू से तो पूरे दुनिया में आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्मार्टफोन सिर्फ एक कंपनी बनाती है इट इज एप्पल तो ये फर्म भी है और स्मार्टफोन इंडस्ट्री आईओ में ये सो कॉल्ड इंडस्ट्री भी है मार्केट तो में फर्म एन इंडस्ट्री वाई बोथ है एक दुकान इंडस्ट्री का मतलब सारी मार्केट I mean yes, तो में एथर एंड ओला पहले ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की ई व्हीकल्स बनाई अब इसमें ओला को हटा देते हैं सिर्फ एथर को ले लेते हैं तो एथर से पहले स्मार्ट ई e व्हीकल किसी के नहीं आते थे चल रहे Is that understood? तो ढेर as well as तो 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 सारे बट इनकी क्वालिटी को कॉम्पीट करने वाले वो चालीस पचास हजार वाली जो ई बाइक आती है हीरो वगैरह की वो नहीं है बेसिकली ओके हो सकता है दस साल बाद ये मार्केट भी क्या बन जाएगा परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट तो पीपल अंडरस्टूड हाउ वी से दैट इज नो बी बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री बिकॉज फर्म का मतलब क्या होता है बच्चों सिंगल बिजनेस यूनिट और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स तो जब बाजार में सिर्फ मैकडोनल्ड है ऑर्गेनाइज मार्केट में बर्गर बेचने वाला कोई दूसरा है ही नहीं तो मैकडॉनल्ड ही फॉर्म है और मैकडॉनल्ड ही इंडस्ट्री है लॉजिक अंडरस्टूड वेल तो आपको तीन नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे इन अ मोनोपोली मार्केट देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्साम्पल बस आप इतना लिख के थोड़ी सी अंग्रेजी लिख देंगे वेन अ फर्म इज individual बिजनेस यूनिट एंड इंडस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट दैट इंडिविजुअल फर्म ओनली इट मीन फर्म proved. इंडस्ट्री है बात गई समझ में आ गया कॉपी कर लिया सबने जी yes, सबने लिख लिया चला जाए आगे चलिए मोनोपोली किस वजह से हो सकती है आपको बता दिया मैंने अभी अभी इट इज ड्यू टू पेटेंट राइट इट इज ड्यू टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज तो पेटेंट राइट की अगर हम बात करें तो आप यहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो ले सकते हैं मैकडोनल्ड uh, अब पेटेंट तो नहीं है इनके पास ट्रेडमार्क बोल सकते हैं आप इसको तो वेन आई से पेटेंट आई I मीन mean टू से ट्रेडमार्क कॉपी राइट ब्रांड नेम एज वेल तो मैक आलू टिक्की इन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया है क्या और कोई बेच बेच सकता सकता है है इस नाम का चलो नहीं बेच सकता कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज आपने मूवी देखी होगी टाइगर जिंदा है एक था टाइगर आपने ओपेक का नाम सुना होगा आई आपने ओपेक का नाम सुना होगा ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गल्फ में उधर ईरान इराक में जितने भी शेख लोग हैं जिनके पास ऑयल वेल्स हैं

वैसे शेल भी बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की यह भी ऑयल सप्लाई करती है बट इनकी सप्लाई ज्यादातर वो कैनेडा मैक्सिको उधर ही रजिस्टर्ड है इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में जितना भी ऑयल आता है वो ज्यादातर गल्फ या रशिया से ही आता है तो ये लोग अगर डिसाइड कर लें कि हम जो अपना कच्चा तेल बेचेंगे वो दस प्रतिशत पिछले महीने की प्राइस से बढ़ा के बेचेंगे हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं तो मरता क्या ना करता खरीदना तो इन्हीं से पड़ेगा इज दैट क्लियर

एहतियात एयरलाइंस हो गई लुफ्तानसा हो गया इन्होंने ग्रुप बना लिया और डिसाइड कर लिया कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक का फेयर चलो बीस परसेंट बढ़ा दिया जाए जब सबका फेयर बढ़ेगा तो कस्टमर मरता क्या ना करता सब में से ये किसी ये ना किसी की सर्विस तो लेगा ही लेगा हाँ इन सब ने भी काटिल इसको बोलते हैं तो कार्टल इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स बेसिकली आई रिपीटेड एज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स नहीं ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम फ्यू फर्म्स होंगे यहां सब मिला के एक बन जाते हैं कैसे आपने बच्चों ओप्पो मोबाइल का नाम सुना है वेरी गुड और वीवो का सुना है नाम किसी टाइम पे एक मोबाइल आता था जिसका नाम जियोनी था तो चाइना की ढेर सारी छोटी कंपनीज मिलके बना लिया इन्होंने क्या बना लिया है? BKC छोटे छोटे तो 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 भी एक ही है इंडिया का ये है और चाइना में प्लांट लगा लिया तो पांच दस छोटे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके एक कंपनी खोली क्या नाम रखा बीकेसी इज दैट क्लियर ऐसे बीकेजी कार्टिल करके ऐसे कुछ नाम है बीके तो है स्टार्टिंग में तो इन्होंने खोला और जब ये कॉलकॉम से बात करते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की तो बोलते हैं एक लाख प्रोसेसर चाहिए तीस हजार ओप्पो और वीवो ले लेंगे बीस हजार जियोनी ले लेगा इसमें से कुछ प्रोसेसर्स रियलमी वाले ले लेंगे रेडमी अलग है तो ये इस तरह से प्रोसेसर्स को उसी प्राइस पे खरीदेंगे जिस प्राइस पे रेडमी या सो कॉल्ड सैमसंग स्नैपड्रैगन कॉलकॉम से खरीदता है तो कंपनी का नाम कॉलकॉम है और उनके प्रोसेसर का नाम स्नैपड्रैगन है कॉन्फिगरेशन वो यूज करते हैं जी सिक्स जी एट वगैरह 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 तो मोटोरोला इज डिफरेंट रेडमी इज डिफरेंट बट ये सब थोड़े गरीब हैं तो ये एक कार्टन बना के जाते हैं बात करते हैं कॉलकॉम वालों से तो ये इंडिविजुअली क्या बन गए बच्चों मोनोपोली इज दैट अंडरस्टूड वेल समझना क्या लीगल बैरियर बताया था पेटेंट कॉपीराइट करा लेंगे तो कोई मार्केट में एंट्री ले नहीं पाएगा तो एक एक करके इनके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर दिया जाए आपका सो so, जब ढेर सारे स्पेसिफिक डिपॉजिट्स चीजों के फर्म्स खुद ओन करती हैं और इनकी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं, तो जो हम चाहेंगे उसी प्राइस पे सामान बिकेगा मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में देर आर फोर सप्लायर्स एंड दे द राइट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सैंड इन्हीं के पास बालू एक्सट्रैक्ट करने का राइट है तो जिस प्राइस पे चाहेंगे उस प्राइस गूंगे बहरे उनको छोड़ के बाकी आंसर देते रहकर वेरी गुड उसको लग रहा है कि मुंह में डंडा डाल के आवाज बाहर निकलवानी पड़ेगी इसीलिए तो ड्रिंक मत पीजिए कोल्ड ड्रिंक एकदम टॉयलेट वाटर है लिखिए फास्ट लेट्स कंटिन्यू पेटेंट राइट अगर आपने एक्सक्लूसिवली कोई टेक्नोलॉजी ले ली और आप ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक दैट ऑफ टेस्ला कार्स चिल्ड्रन तो टेस्ला ने अगर कोई सेल दैट इज बैटरी बनाई और इस पे अपना पेटेंट रजिस्टर करा लिया जिस भी कंपनी को बैटरी यूज करनी होगी उनको किसके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा टेस्ला के सामने और टेस्ला मनमानी प्राइस पे इनसे पैसा लेगा पेटेंट और ट्रेडमार्क में क्या फर्क होता है? आपने मारुति का सिंबल इस तरह का देखा होगा चलन। देखा सिंबल सुजुकी का सिंबल भी आपने देखा होगा टोयोटा का सिंबल आपने देखा होगा इस तरह का रिफ्लेक्टिंग लाइक अ टी वॉट इट क्लियर ये होते हैं ट्रेडमार्क जो डिजाइन हमारे ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है इज दट क्लियर विंडोज का देखा होगा चार खिड़कियां बनी होती हैं इज दैट क्लियर पेटेंट क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जो कोडिंग है वो अगर आप यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वाले आपके ऊपर केस कर देंगे तो कोडिंग का पेटेंट होगा हमेशा कोडिंग का ट्रेडमार्क नहीं हो सकता ठीक है ट्रेडमार्क किसका होगा किसी पर्टिकुलर डिजाइन का होगा तो डिजाइन का रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले के लिए जो आपको एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी दे दे इसको बोलते हैं आप ट्रेडमार्क इज दैट क्लियर और अगर इसके नीचे कोई नाम वाम लिख गया तो इसको ब्रांड नेम बोलते जैसे ऑल्टो केटेन में क्या बलिनो ग्लैंजा ऑडिक्यूसिक्स ये सब ब्रांड नेम में चले जाएंगे हमारे ब्रांड का नाम है फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर मेट्रो इज अ ब्रांड नेम बट मेट्रो जिस तरह से वो कटा हुआ एम लिखा रहता है देन इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क बट मेट्रो वालों ने खास फॉर्मूला यूज किया अपनी चप्पल की पेस्टिंग में क्या फॉर्मूला यूज किया इन्होंने वही फॉर्मूला यूज किया वही केमिकल यूज किया जो छिपकली के पैर में होता है कितनी भयंकर तरीके से दीवार में छिपकी रहती है दस हजार छोटे, -छोटे कण होते हैं उस नैनो पार्टिकल के जो उसको चिपक देने मजबूत करते हैं वैसा ही साइंटिस्ट ने केमिकल डेवलप किया और मेट्रो वाले ने कहा हम इसका पेटेंट कराएंगे और पूरी दुनिया में ये केमिकल सिर्फ हम यूज कर पाएंगे और कोई यूज नहीं कर पाएगा और इतनी भयंकर चप्पल है आप पहन के पूरा सो इंग्लिश चैनल पार कर जाइए तैर तैर के आपकी चप्पल की पेस्टिंग निकलेगी नहीं लेस लेस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं चिपक की बात कर रहा हूं इज दैट अंडरस्टूड मैंने एक टेक्नोलॉजी रजिस्टर करा ली अपनी फैक्ट्री में और मेरी फैक्ट्री है रेमेंड शूटिंग एंड शर्टिंग नैनोटेक्स ये क्या होता है नैनोटेक्स आप शादी ब्याह में जाइए छोले खाइए और आपके शर्ट पे छोला गिर जाए बस ऐसे झाड़ दीजिए पूरे छोले साफ हो जाएंगे क्या आपको कपड़ा धुलने की जरूरत पड़ेगी नॉट एट ऑल बस धूप में टांग दीजिए स्मेल उसकी बाहर चली जाएगी सारे टेक्नोलॉजी आई कहां से ये टेक्नोलॉजी पीकॉक के पंख से आई है पीकॉक के पंख में ऐसा फाइबर होता है बच्चों जिसमें कोई भी पानी दाग कुछ नहीं चिपकता उसी फाइबर को साइंटिस्ट ने केमिकली प्रोड्यूस कर लिया ढाई से तीन हजार रुपए पर मीटर है ये कपड़ा अगर आपको एक शर्ट सिलवानी हो तो साढ़े पांच छह इंडिया में कुछ कंपनीज है, है तो वी लर्न फ्रॉम सो कॉल्ड नेचर ओनली चिल्ड्रेन तो कभी आपने देखा है कि मोर के पंख गंदे हो गए कभी नहीं तो वही फाइबर आजकल नैनोटेक्स के नाम पे बिक रहा है सही खोपड़े में बात गई कि yes, नहीं गई तो मैं एक अटेंड कर रहा था ए के सीनियर साइंटिस्ट थे उनका तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया मैंने कहा तो बढ़िया चीज है तो इसी चीज का फॉरन कंपनी पेटेंट करा के महंगे बेचती है समझ गए तो पीकॉक है हमारा नेशनल एनिमल बट पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने करा लिया उसका लीगल बैरियर्स अगेन क्या आप इंडिया के रेलवे नेटवर्क को यूज करके उसके ऊपर अपनी प्राइवेट ट्रेन चला सकते हैं बिल्कुल नहीं तो तेजस एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा ये दो हैं बच्चों एक प्राइवेट तेजस है एक सरकारी तेजस है तो प्राइवेट तेजस अगर लेट हो जाती है तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं। बट सरकारी वाले पैसा नहीं, नहीं कॉपीराइट तो या कुछ पे अगर पेटेंट कॉपीराइट नहीं भी है एक लॉ ऐसा बना दिया जिससे आपकी एंट्री उस सेगमेंट में रेस्ट्रिक्टेड रहेगी आप उसमें बिजनेस कर नहीं सकते अगर आपने पढ़ाओ कभी

ये चार ट्रेड हम करेंगे बाकी में आप एंट्री ले सकते हैं बट धीरे धीरे अब डिफेंस को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया रेलवे में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया सिर्फ दो ही सगी संताने सरकार की समय बची हैं। एक एटॉमिक एनर्जी है और थोड़ा बहुत आप हेवी मेटल्स बोल सकते हैं टाटा है बट अगेन वहां पे बैरियर दिस की आप किसको बेचेंगे और किसको नहीं बेचेंगे कि भाई आप गल्फ को नहीं बेच सकते आप तालिबान को नहीं बेच सकते इस तरह के रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं समझ मार्केट? गया अलग अलग इनकी दुकानें इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपको नजर आते हैं बट रियलिटी में दे इनकी सारी बाइंग एक जैसी होती है सारी सेलिंग जैसे मोहल्ले में आपने दस किलो एक दुकान से डिटर्जेंट खरीद लिया और एक परिवार में दो भाई रहते हैं तो दोनों ने पांच पांच किलो अलग अलग बांट लिया क्योंकि पांच पांच किलो की अलग पैकिंग महंगी पड़ेगी बट दस किलो की एक सस्ती पड़ेगी ओके सो नेक्स्ट लेक्चर वील बी डूइंग चिल्ड्रन गोपोली